चौबीस जय राम माता को बनाई दे भाई, झारखंड के सारे कार गो करी के गोहार, टाइगर दादा के जोहार गो करी के गोहार। दूसरे के घर में हम गोरखिया रहे हैं, 800 रुपये में विश्वास करे या ना करे, हम 800 रुपये में साल भर गोरखिया के यहाँ गोरु बैल चराए। 2 साल पहले टाइगर जयराम महतो खुद अपने मुंह से बोलते थे कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन जनता ने हम लोगों ने उनको चुनाव लड़ने के लिए मजबूर किया। नमस्कार जोहार, अभी मैं हूँ झारखंड के रामगढ़ जिला के गोला प्रखंड के रेपुरा गाँव में, जहाँ रामगढ़ जिला के सबसे भव्य पूरे झारखंड में JBKCS का भव्य कमेटी विस्तार पंचायत स्तरीय हो रहा है। तमाम आंदोलन कर आए हैं, उसी बीच टाइगर जयराम महतो से और भाई विष्णु महतो है जो इनके बातों से प्यार करते हैं और पहुंचे टाइगर जयराम महतो को सुनने के उनके विचारों को, लेकिन इन्हें पता चला कि टाइगर जयराम महतो नहीं और आंदोलनकारी क्रांतिकारी आ रहे हैं, इनसे रूबरू करवाते हैं, खतियाने गीत गाते हैं और ये प्रवासी मजदूर भी है, उनका दर्द खुद सुनिएगा और क्यों टाइगर जयराम महतो से जुड़े वो भी जानना चाहेंगे। जोहार जोहार, आपका चैनल को भी जोहार करते हैं। जयराम महतो से क्यों जुड़े आप? जयराम महतो से जुड़े हैं, जयराम महतो का विचारधारा हमको अच्छा लगा, झारखंड के तमाम जितने भी नेता मंत्री हैं सबसे इसका भाषा अलग लगा, इसका विचारधारा अलग लगा, इन्होंने सोए हुए झारखंड को जगाया, इसीलिए हम उनके विचारधारा पर चलना चाहते हैं। चुनाव में तो सब अच्छा अच्छा बोलते हैं, ये चुनाव का बात नहीं है, ये 2 साल पहले चुनाव का बात नहीं हो रहा था, 2 साल पहले टाइगर जयराम महतो खुद अपने मुँह से बोलते थे कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन जनता ने हम लोगों ने उनको चुनाव लड़ने के लिए मजबूर किया। क्यों आखिर चुनाव में क्यों आना पड़ा? चुनाव में आएंगे इसलिए कि आज तक जितना भी हमारा झारखंड में नेता मंत्री लोग बना है, झारखंड के लिए एक भी नेता मंत्री लोग काम नहीं किया, सब बाहरी लोगों के लिए काम किया, पैसा लेकर काम किया, सब बिकाऊ है, एक भी टिकाऊ नहीं है। जयराम महतो सत्ता में आएगा तो क्या कुछ करेंगे? जयराम महतो सत्ता में आने के बाद वो जो भी करेगा लेकिन अच्छा ही करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर लोग जानना चाहेंगे कि क्या जयराम महतो अच्छा कर देगा बाकी नेताओं? जयराम महतो का अच्छा ही 2 साल के अंदर में खुद ही जनता जान गया है जयराम महतो में क्या है। अभी देखिए कितना कंपनी में फैक्ट्री में लोग मरता था काम करते समय, वो लोग को मुआवजा 50,000 लाख रुपए इससे अधिक नहीं मिलता था, लेकिन टाइगर जयराम महतो अगर कहीं पर कोई कंपनी में एक बार चला जाता है तो वहाँ पर सीधा 15 लाख 18 लाख 20 लाख का बात होता है और नौकरी भी होता है। आपका क्या दर्द है, आप क्या झेले हैं इस झारखंड में जन्मे और आपको उस चीज ना मिला कि आपको लगता है कि वो चीज हमको नहीं मिला इसीलिए जयराम महतो? देखिए हम तो झारखंड में भले जन्म लिए लेकिन हम पढ़ा लिखा नहीं है, हम पढ़ लिख नहीं पाए, हमारा पिताजी बचपन में ही गुजर गए जब 10-12 साल का थे उसी समय। दूसरे के घर में हम गोरखिया रहे हैं, 800 रुपये में विश्वास करे या ना करे, हम 800 रुपये में साल भर गोरखिया के यहाँ गोरु बैल चराए हैं। उसके बाद धीरे धीरे ऐसे करके 6 साल हम गोरखिया खटे, उसके बाद थोड़ा बड़ा हुए, उसके बाद बाहर प्लानिंग किए, उसके बाद पॉपलेन ऑपरेटर सीखने का कोशिश किए और सीख गए, उसके बाद अभी कर्नाटक में हम काम करते थे। लेकिन जाते हैं जी, आपका यहाँ 4 लेन 6 लेन बन रहा है, यहाँ पे लोकल काम करते हैं, अच्छा कमाते हैं, क्या करें, रोड बना रही है आपके घर के बाहर? बाहर में जितना काम है उससे कई ज्यादा हमारे झारखंड में काम है, लेकिन झारखंड में सिर्फ बाहर का लोग आता है झारखंड में काम करने के लिए और झारखंड का लोग जाता है बाहर, ये उल्टा हो रहा है। और लोग कहते हैं कि झारखंड में मतलब 40% खनिज संपदा है, लेकिन हमको अभी तक पता नहीं चला है 40% है कि कितना प्रतिशत है। सबसे ज्यादा गरीब तो पूरा भारत में हमको लग रहा है कि झारखंड में ही है, इंडिया का कोई भी कोना में हम बहुत जगह गए हैं लेकिन सबसे अधिक झारखंडी ही मिला है। आप इतना गरीब होते हुए, लोग बोलते हैं कि पार्टी में जुड़ने के लिए पैसा वाला होना चाहिए, आदमी पकड़ होना चाहिए किसी संगठन में जुड़ने के लिए, लेकिन जयराम महतो साहब कैसे जुड़ गए इतना गरीब होते हुए? जी नहीं, हम जितना दिन से अभी 2 साल हो गया, 2 साल पहले से हम जब से आंदोलन चालू हुआ तब से हम जुड़े हुए हैं, लेकिन अपना जेब से अपना मतलब मोटरसाइकिल में तेल भरते हैं और जहाँ भी होता है सभा हम जहाँ अटेंड कर सकते हैं टाइम दे पाते हैं वहाँ हम जरूर पहुँचते हैं। सुनने में आता है कि आप जन जागरण भी करते हैं गीतों के माध्यम से? हाँ, कभी कभी गीतों के माध्यम से, टाइगर जयराम महतो का आंदोलन में मुझे थोड़ा छोटा मोटा कलाकार भी बना दिया है। गीत गा के सुनाइए। ठीक है कि टाइगर सुतल झारखंड जगाई दे लो,
जाही करे सुतल झारखंड जगाई देलो करी के गोहारी गो करी के गोहार टाइगर दादा के जोहार गो करी के गोहार टाइगर दादा के जोहार गो करी के गोहार। अरे झारखंड नेता मंत्री कतक जे बनला झारखंड नेता मंत्री कतक जे बनला झारखंड के पहचान के नहीं कहला दादा के नहीं कहला टाइगर जयराम दादा ही कही देलो टाइगर जयराम दादा ही कही देलो झारखंड की अधिकार गो करी के गोहार टाइगर दादा के जोहार गो करी के गोहार टाइगर दादा के जोहार गो करी के गोहार। अरे झारखंड आंदोलन कतक जे हेवल झारखंड के नेता मंत्री के वो नहीं सुनल दादा के वो नहीं सुनल टाइगर जयराम माता के बनाई देबै चौबीस जयराम माता के बनाई देबै झारखंड के सरकार गो करी के गोहार टाइगर दादा के जोहार गो करी के गोहार टाइगर दादा के जोहार गो करी के गोहार जोहार। आप लोग बोल रहे हैं कि टाइगर जयराम महतो के सरकार बना देंगे करी के गोहार, लेकिन बाकी लोग के पास पैसा है, पकड़ है, भूत स्तरीय करता है, ये हम कहते हैं 24 में जो लोग पैसा और दारू और मुर्गा में जाएगा वो लोग झारखंड में सबसे ज्यादा मूर्ख और बुड़बक है पढ़े लिखे होकर भी, यही हम जनता को संदेश देना चाहेंगे। कहाँ से है और क्या नाम है आपका? हमारा नाम विष्णु महतो है, हम ग्राम मेढ़ा से आते हैं, कसमार प्रखंड से, बोकारो जिला। सुना इनके गीतों को और इनके बातों को, ये टाइगर जयराम महतो के प्रति इतना प्रभावित हो गए हैं इनके विचारों से, इस बार टाइगर जयराम महतो के विधानसभा लोकसभा चुनाव लेकर आप देख रहे हैं कि प्रवासी मजदूर होते हुए भी अपने राज्य रखकर लोगों के हर कमेटी विस्तार, पंचायत विस्तार में हर जगह पहुंच रहे हैं और लोगों को उज्जवल बना रहे हैं कि इस बार टाइगर जयराम महतो की सरकार बने। लगातार अपडेट देते रहेंगे। जय झारखंड, जोहार झारखंड, जोहार दादा, जोहार।